बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी खुश होंगे। तो आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो आज कुछ सीन ये है कि हमारा जो चार्जिंग वाला पंखा ना, वो ख़राब हो गया है। तो अभी मैंने इसको खोल लिया है और अपना जो मिस्त्री पुराना है वो स्टार्ट कर दिया है। बाय बाय शिवेज की तरफ से। बाय बाय शिवेज, अपने काम में मसरूफ है, वो उधर कार्टून देख रहा, इसलिए उसका कोई इधर ध्यान नहीं है, वो अपने काम में लगा। ठीक है, वो देखा। बाय बाय बाय। आपको ऑफिस किधर है? किधर है आपको ऑफिस? इसको पता है, इसका भी ऑफिस है। इसको जब पूछे ना ऑफिस के तरीके था, ओ उधर चले जी। अभी इसको ठीक करना है क्योंकि रात को लाइट भी जानी है। अभी रात हो चुकी है, लेकिन रात को लाइट जाती है तो ये हमारे काम आता है। शवेज के लिए स्पेशली ये बड़े काम की चीज़ है, तो हमें इसको जल्दी जल्दी ठीक करना है। तो इसको अभी ये करना है कि इसको बैटरी से डायरेक्ट करना है और इसको जुगाड़ लगा के इसको ठीक करके चलाना है। पंखा जो है फिट हो गया, उसका जो प्रॉब्लम था वो मैंने दूर कर दिया है। क्योंकि उसका जो मसला था वो ये था कि इसकी ये वाला बटन जो था वो ख़राब था, ऑन ऑफ करने में मसला हो रहा था। तो उसको मैंने बाईपास करके ये ट्रैक कर दिया बैटरी के साथ। तो अभी ये ज़बरदस्त हो गया, अब ये बटन वाला मसला जो है ना ये सॉल्व हो गया। ऐसे छोटे मोटे काम जो है ना वो हम घर में खुद ही कर लेते हैं। इन छोटे मोटे कामों के लिए हम किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं जाते। ठीक ठीक, क्या कर रहे हैं? क्या शावीज, बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी आ गई है शावीज को, बहुत गर्मी लगने लगी है, इसलिए उसने स्लीव वेस्ट पहनना स्टार्ट कर दिए। टेटी, ओ टेटी जी, ये कौन सी कुकु कुकु कुकु, ओए तो थारी, आपको बहुत गर्मी लग रही है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि शवेज जो है घर पे काफी ज्यादा बोर हो रहा था। अब इसको बाहर लेके जाते हैं तो ये खुश हो जाता है। घर में सारा दिन रहता है तो बोर हो जाता है और ये चीखता है, गुस्सा करता है। तो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं और कोई इसकी एंटरटेनमेंट की कोई चीज मिलती है तो फिर इसको एंटरटेनमेंट भी करवाते हैं। तो चले चलते हैं और जरा घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह मजा आने वाला है। तो आज हम कुछ नए एडवेंचर करेंगे। चलो सवे, ओके लेट्स गो। ये हमें एक एंटरटेनमेंट का कुछ सामान मिला है तो अभी हम इसमें बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। शिवेज को भी एंजॉय कराते हैं। आ जाओ भाई बैठे। ये हम लोग एडवेंचर वाली गाड़ी में बैठ गए हैं, ऊंट गाड़ी में बैठे हुए हैं। शवेज जो है ना लाइटों से डर रहा है, ये ऊपर छत के ऊपर लाइटें लगी हुई है साहब, तो ये लाइटों से थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये जो है अभी तक डरा हुआ है, वो उसके लिए ना पहली दफ़ा से देखा कि ये क्या चीज़ है, किस में मैं बैठ गया हूँ। तो वो सही तरह इंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी चुप कर गया। इन्होंने ऊंट गाड़ी के ऊपर ना म्यूजिक का भी ये तमाम किया हुआ है, लेकिन अभी जो है बंद पड़ा हुआ है, नहीं चलाया, क्योंकि हम लोग जो ना वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमने म्यूजिक का ये तमाम जो है वो बंद करवा दिया। ये थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसी गाड़ी में बैठना। ये जो ऊंट गाड़ी है ये PIA रोड के ऊपर चलती है, रात के टाइम होता है। ये वाटर टाउन के सामने जो PIA रोड है उसके ऊपर ये रात के टाइम होता है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग भी शाम के वक्त आ सकते हैं और ये रात गए तक यहाँ पे चलता है। फाइनली जो है हमारा सफर, हमारा ट्रिप जो है कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ी देर में गाड़ी रुकने वाली है।
श्वेत का जूता नहीं मिला जाओगे सारे सर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं इसके पाँव का साइज नहीं मिला तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अभी बड़ी मुश्किल से शवेज के जूते मिले हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, बड़े क्यूट से मिले। शवेज को घुमाने फिराने के लिए आए थे, काफी इंजॉय किया इसने और अब ये जो है ना थक गया, इसका जो है ना मुंह अब लटका हुआ, इसको लगी हुई है भूख, ये दूध पिएगा या तो सो जाएगा या फिर एनर्जेटिक हो जाएगा। ये है जी गार्लिक मायो फ्राइज है, बड़ी मजे की है। शवेज के मुँह में पानी आ रहा है, अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को हम काफी लेट पहुंचे थे क्योंकि शवेज के साथ काफी एंजॉय किया और इसको भी काफी घुमाते फिराते रहे। हाँ, ये अभी से बाय बाय कर रहा, बाय बाय अभी नहीं करना, बाय बाय अभी तो काम चल रहा है हमारा। तो इसका हम जूता ढूंढ रहे थे, जूता इसका नहीं मिल रहा था, जहाँ वो बाटा पे भी गए थे, एक और शॉप से भी गए थे, तो वहाँ पे जूता जो है ना इसका नहीं मिल रहा था। जो इसकी एज का होता था वो इससे छोटा होता था, लेकिन जो इससे बड़े होते थे वो इसको बड़ा ही होता था। फाइनली हमें अलफतेह से शूज़ मिले और वो जी ये वाले शूज़ हैं, ये देखें, ये वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ये वो वाले हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट भी होते हैं और बच्चों के लिए रफ इस्तेमाल के लिए बहुत मज़े के होते हैं। और ये कि ये पाँव के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, पाँव को चुभता नहीं, तो ये पहनेगा इसको आदत हो जाएगी, तो फिर हम जो है ना दूसरे वाले जूते जो है ना वो इसको पहनाना स्टार्ट करें। अभी ये इसका फर्स्ट टाइम है तो इसलिए हमने फिर ये वाला चूज़ किया। अब आपने चलना, आपने ये पहन के चलना, ठीक है ना, ओके, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके पहनो, ये देख खड़े ऐसे खड़े ना, खड़े कोई ऊपर कार्टून भी बने हुए हैं, मजे मजे के कार्टून भी हैं ऊपर, और ये देखो कलर भी बड़ा मजे का है, अच्छे लग रहे शिवेश को, ये अच्छे लग गए जी। चले अब ये पहनेगा, ऐसा ऐसा इसकी रूटीन बनेगी और फिर जूते पहनना स्टार्ट कर देगा। और एक ये चीज हमने ली, ये बड़ी मजे की, इसके लिए क्रॉलिंग पैड है, ये चेक कर, इसके जो है घुटने जो है ये नंगे होते हैं, इसने शॉर्ट्स पहनी होती हैं तो वो फर्श के ऊपर चलता है, तो इसके साथ यहाँ रगड़े होती हैं और यहाँ पे ये खराब होता है, ऊपर से निशान बनते हैं, तो ये इसके लिए फिट है। और एक और मजे की चीज़ ली हमने, ये हमने वैसे नज़र आ गई थी तो हमने उठा ली, ये है जी वो क्या कहते हैं, इसके अंदर रोटियाँ स्टोर की जाती हैं, रोटी पॉट से कहते हैं मेरे ख्याल में, तो ये वो वाला है, ये गर्मी में वैसे दूसरा जो हॉट पॉट होता है उसके अंदर रोटियों को पसीना आ जाता है, पानी आ जाता है, जिसकी वजह से रोटियाँ जो है ना नरम हो जाती हैं, गिली गिली सी हो जाती हैं, तो इसके अंदर
कपड़े के अंदर रोटियां लपेट के रखते हो तो ये रोटियां जो है इसके अंदर ड्राई रहती हैं, तो ये जो है ना रोटियों के लिए ये वाला अच्छा है। और आपको हमने एक ये नई चीज खरीदी है, ये वाली, ये है जी ग्लू गन है, इसके साथ ये ग्लू के बैंड्स हैं, इसके लिए बिजली से चलती है, उसके अंदर ये ग्लू डलती है और मुख्तलिफ चीजें जोड़ने के काम आती है। और श्वेस के ट्वाइस ठीक करने के तो ये बहुत काम आएगी, क्योंकि ट्वाइस जो है ना इससे बहुत जबरदस्त ठीक होते हैं और उनकी मरम्मत अच्छे तरीके से हो जाती है। श्वेस का काम जो है ना अब आसान होने वाला है। तो ये थी हमारी कुछ इंजॉयमेंट की रूटीन और साथ में हमने श्वेस की शॉपिंग भी कर ली। तो उम्मीद करते हैं आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दी इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पे आ गए ना श्वेस खुश हो जाता है, ये निकल ऐसे बाय बाय करते।